माय स्पेशल वन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका अपना छोटा भाई दादा ठाकुर आपके लिए लेकर आया है एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आपने देखा होगा टेक्स्ट मैसेज वाली वीडियो बहुत वायरल है, तो उन्हें कैसे क्रिएट करें वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहले हमें गूगल में टाइप करना है स्काई बैकग्राउंड HD फ्री डाउनलोड, फिर इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर हम कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेंगे, जो भी आपको अच्छी लगे आप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है, जो आपको प्ले स्टोर पे डायरेक्ट गूगल से भी मिल जाएगा। फिर ट्विटर में सबसे फर्स्ट में आ रहा है, आपको मेरे में इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लेना। ओपन करते हैं इसे। ओपन करने के बाद हम नेम चेंज करेंगे, जो हमारा इंस्टाग्राम पर नेम है वो हम डालेंगे। मैं अपना डाल दे रहा हूँ। फिर नाम डालने के बाद हम इसे डन कर देते हैं। फिर हम इसमें DP लगाएंगे, जो हमारी इंस्टाग्राम पर DP लगी हुई है तो वो हम लगा लेंगे। जो हमारी इंस्टाग्राम पर DP है हमें वही लगानी है। फिर निक नेम चेंज करेंगे, मैं अपना वही डाल दूंगा जो मेरी ID है। डालने के बाद डन कर देते हैं। आपको फिर सेटिंग में जाना है, उसमें से शो वेरिफिकेशन आइकन हटाना है। फिर ये लिखा हुआ है, इसे टेक्स्ट को जो भी हमें लिखना है वो लिख देंगे इसे हटा कर। मैं एक चुटकुला लिखूँगा, सबमिट डन कर देंगे। आइकन बार पे जाएंगे और वहाँ से स्क्रीनशॉट वाले को ओपन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे हम छोटा वाला, हमें उतना ही लेना है जितना हमें लिखा है और हमारी ID और फोटो है। इसे कर देंगे फिर सेव। इसके आगे लिखना है, मैं उस चुटकुले को लिखूंगा, आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देना। फिर इसको भी डन कर देंगे। फिर इसको भी उसी की तरह हम सेव कर लेंगे जैसे पहले वाला किया था। ऐसे ही और कुछ भी लिखना है वो भी ऐसे ही कर देंगे, और फिर लिखने के बाद वो सेव टैग सेव कर लेंगे। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कैन मास्टर की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैन मास्टर की, आप चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैन मास्टर ओपन करते हैं। फिर हम मीडिया में जाके जो पिक डाउनलोड किया है उसे लेंगे, क्लिक करेंगे, फिर उसे स्क्रॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे जो आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है पेन एंड जूम वाले पर, उसे बीच में क्लिक करके फिर जूम करेंगे और फिट कर लेंगे हम अपनी स्क्रीन तक। फिर ओके कर देंगे। फिर हम मीडिया पे जाएंगे और फिर हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसे पहले वाले को हम सेलेक्ट करेंगे, उसे स्क्रीन के बीचों बीच टॉप में कर देंगे हम। फिर हम ब्लेंडिंग पे जाएंगे नीचे, उसमें जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। फिर एक बार फिर से क्लिक करेंगे उस पर और फिर इन एनिमेशन में जाएंगे, जैसा आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं आप वैसा लगा लें। मैं ड्रॉप वाला लगा रहा हूँ और फिर हम देखेंगे हमारा कैसा आ रहा है, और जितना रखना चाहते हैं हम उतना रख सकते हैं, आगे को ट्रिम कर देंगे। फिर हम लेयर पर जाकर मीडिया में जाकर दूसरा वाला स्क्रीनशॉट लेंगे, उसे भी इसी की तरह मैनेज करेंगे और ब्लेंडिंग करके मल्टीप्लाई करके एनिमेशन लगाना चाहो वैसा एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले लगाया था वैसा ही कर सकते हैं। ऐसे तीसरे वाला जो मैंने शेयर शॉट लिया उसे भी ऐसे ही करेंगे, देखते हैं आगे। अब हमें म्यूजिक लगाना है, जो हम म्यूजिक लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं।
जैसा भी चाहें, बट मैं सॉन्ग से नहीं लगा रहा, मैं म्यूजिक से डाउनलोड किया है मैंने, उसी से लगाऊंगा, कम तो वो लगा दिया है मैंने, और जितना एक्स्ट्रा है उसे भी कट कर देंगे, वो देख रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा है हम कट कर देंगे इसे। बटन को दबाएंगे और फिर यहाँ से सेव कर लेंगे और यहाँ पे हमारी वीडियो